ब्रह्मा जी को देख करके कहने लगे, ब्रह्मा जी क्या मांगो, बस आपने दर्शन दे दिए ये मेरे लिए काफी है। बदला लेने के लिए आए, कहते हैं कि जब ब्रह्म हत्या सताने लगी देवराज इंद्र को, तो ब्रह्म हत्या सब देवताओं ने मिल करके स्त्री भूजलम द्रुमी रेणु विश्वरूप विभक्त अनुग्रह ही व्रतम हत्या कमार्याम। तो वो ब्रह्म हत्या स्त्री पृथ्वी जल और वृक्ष को दे दी, लेकिन साथ में इनको प्रदान भी दिया। देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या किसको दी, बोलो, स्त्री पृथ्वी वृक्ष और जल, साथ में इनको प्रदान भी है। स्त्री को जब ये ब्रह्म हत्या दे दी गई तो स्त्री जो है वो अपवित्र मानी जाने लगी। जो स्त्री को मासिक धर्म आता है वो उसी ब्रह्म हत्या के कारण होता है, और समय वह स्त्री पतित हो जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन साथ में वरदान भी दिया देवताओं ने, बोला गर्भ धारण करने पर तुम फिर भी काम को सहन कर पाओगे। और दूसरा जो दिया भाग वो पृथ्वी को दिया, पृथ्वी उसी ब्रह्म हत्या की वजह से अपवित्र होती है। पृथ्वी भी स्त्री की भांति जब अपवित्र होती है तो ये भी ब्रह्म हत्या के कारण है। कहते हैं ना पृथ्वी सोई है, पृथ्वी सोती है तो इसी कारण से सोती है। लेकिन पृथ्वी को साथ में वरदान ये दिया कि तुम्हारे बीच में जितने भी गड्ढे पड़ेंगे वो अपने आप ही भर जाया करेंगे। और तीसरा भाग वृक्षों को दिया है, अब वृक्षों में वो ब्रह्म हत्या जो वृक्षों से गोंद निकलता है उसके रूप में दिखाई देती है। लेकिन वृक्षों को प्रदान ये हुआ कि अगर आपको काट भी देंगे तो आप फिर से पैदा हो जाएंगे। पेड़ को काटते हैं ना तो पेड़ तो मर गया, बंदे को काटो वाला खत्म, लेकिन पेड़ को काटेंगे फिर भी उस पेड़ पर कोंपल आ जाएंगे। ये उनको प्रदान हुआ है। और जल, जल में जो फेन होता है, क्या बोलते हैं आप उसको, सवाल सवाल तिरखा सवाल, हाँ वो जो जल के ऊपर बुदबुदा सा बन जाता है वो ब्रह्म हत्या के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि जल को भी वरदान है तुम निरंतर वृद्धि को प्राप्त करोगे। आज पृथ्वी बहुत छोटी है और जल तीन गुना है, तो ये जल को वरदान हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ी ज्ञान योग्य ये कथाएं हैं, बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। दीक्षित जी ने सुना, बोला महाराज इसके बाद, बोला वृत्रासुर ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आक्रमण किया और वृत्रासुर को कोई भी देवता नहीं मार सकता। वृत्रासुर को अगर कोई मार सकता था वो था ऋषि की हड्डियां।
तो देखो सब देवता दधीचि मुनि के पास गए और दधीचि मुनि के पास जाकर के उनकी अस्थियां मांग ली। दधीचि मुनि अपनी अस्थियां देवताओं को दे देते हैं। उन्हीं अस्थियों से वे परीक्षित इंद्र का वज्र बना। जब युद्ध होने लगा वज्र को लेकर के इंद्र गए तो वृत्रासुर दैत्य ने इंद्र को मुंह में निगल लिया। बड़ा ही भयानक ये असुर था, लेकिन जैसे मुंह में निकला पेट में चले गए तो उस वज्र का प्रहार इंद्र ने पेट में किया और पेट को फाड़ करके बाहर निकला। वृत्रासुर नामक दैत्य का अंत हुआ। पूर्व जन्म में यही वृत्रासुर चित्रकेतु नाम के राजा थे, गंधर्वों के राजा थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। अंगिरा मुनि एक बार आए, उनसे पूछा कि तुम चिंतित लग रहे हो। बोला महाराज मेरे को कोई पुत्र नहीं है, इसलिए बड़ी चिंता लगी हुई है, मेरी कई पत्नियां हैं। पूर्व काल में बहु विवाह की रीति हमारे यहां भारत में थी, एक पत्नी से लड़का नहीं हुआ तो दूसरा विवाह कर लेते थे, दूसरी से भी लड़का नहीं हुआ तो तीसरा विवाह। बहु विवाह की रीति हमारे भारत में थी। बोला मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं लेकिन बेटा नहीं। अब भैया सभी बोलते हैं पुत्र पुत्र पुत्र, बेटा बेटा चाहिए, लेकिन मैंने बोला कि कई बार बेटों की अपेक्षा बेटियां माता पिता का ज्यादा ध्यान रखती है। पुत्र कितने प्रकार का होता है बोलो, राधे राधे बोलना पड़ेगा, बात नहीं मन रही है एक भजन हो जाए गाएंगे। आइए श्याम सुंदर के चरणों में एक छोटी सी हाजिरी रखते हैं। भजन का मजा तभी आता है जब आप भी मेरे साथ ताली बजाएंगे गुणगान करेंगे। मांगने से तो क्या मांग लेंगे, और बिन मांगे भगवान पत्नी क्या दे दे, कोई पता है? तो निर्मल भक्ति। अच्छा नारायण ने सरस्वती देवी को भेजा, बोला जाओ अब तुम। उस भक्त ने फिर से ब्रह्मा जी को बुलाया, लेकिन सरस्वती ने का कमाल देखो, बोला ब्रह्मा जी मुझे पहला वरदान दो कि मुझे संसार से वैराग्य हो जाए, दूसरा वरदान दो कि मेरी प्रीति गोविंद के चरणों से हो जाए, और तीसरा वरदान मेरी संसार से मुक्ति हो जाए। बोल राधे राधे राधे। ब्रह्मा बोले तेरा राम भला करे भैया, मुक्ति ले ले पर मेरा पीछा छोड़। तो आइए श्याम सुंदर के चरणों में भजन का गुणगान करे। श्याम राता हो जो चरणिया, अच्छी बात है। लेकिन बरामदे वाले में जो बरामदे में बैठे हैं, बरामदे में ये थोड़े नाराज लग रहे हैं। सभी तालियां लगाते हुए झूम जाओ भगवान के चरणों में, आज भगवान का जन्म दिन मना रहे हैं अपने। बहुत अच्छे। ओ मेरी गली विच आशा राता हो जो चांदनिया, राता हो जो चांदनिया, राता हो जो चांदनिया, राता हो जो चांदनिया।
सेवा करते हो बहुत अच्छे राधे राधे पीछे ताली कर मैं पीछे हाथों को ऊपर करके हमने सुना तुम दुखड़े मिटाते दुखड़े मिटाते दुखड़े मिटाते दुखड़े मिटाते दुखड़े मिटाते कोई स्वर की शक्ति जगाते शक्ति जगाते दे शक्ति जगाते शक्ति जगाते दे शक्ति जगाते मेरी शक्ति जगा शामा था वो Thank you.
हमें करनी चाहिए, मल भक्ति नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि वृत्रासुर का जो वध हुआ, फिर से ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को लगी। पहले तो विश्वरूप को मारा तब ब्रह्म हत्या, अब वृत्रासुर को मारा वो भी ब्रह्म हत्या लगी। देवराज इंद्र अब अपने परम गुरु बृहस्पति जी की शरण में गए। हे पूज्य गुरुदेव, हमारा सब अहंकार चूर चूर हो चुका है। आपके बिना देवताओं का कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। क्षमा मांगी, गिड़गिड़ाए तो गुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा, ये तुम महायज्ञ करो। और देवराज इंद्र ने बृहस्पति के कहने पर महायज्ञ किया, जिससे कि ब्रह्म हत्या छूट गई। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी परम पावनी कथा है जो ब्रह्म हत्या तक से भी मनुष्य को छुड़ा सकती है, अगर मनुष्य भाव से इस कथा को सुने। और कथा में लिखा हुआ है, श्रद्धावान एव लभते ज्ञानम। कथा में वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है। इस समय कथा मैं नहीं सुना रहा, इस समय स्वयं भगवान सुखदेव स्वामी जी आपको कथा सुना रहे हैं। मेरी भला क्या औकात जो मैं आपको कथा सुना दूं। ये सब उन्हीं परम पिता परमेश्वर की परम कृपा है जो मैं आपको कथा सुना। तो मैं सुना रहा था कि चित्र केतु नाम के ये वृत्रासुर पिछले जन्म में राजा थे, बहुपत्नियां थी। और जब मुनि वर आए तो बोला, जी इतनी इतनी पत्नियां हैं फिर भी मेरी संतान नहीं है। अंगिया मुनि कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम शोक मत करो। ये परम भगवान के परम भक्त थे, मैं बेटों की बात कर रहा था। बेटो देखो, बेटे कितने प्रकार के होते हैं।
बोलो हैं तो सबके पुत्र कितने प्रकार के हैं राधे राधे बोलना पड़ेगा तो मैं बता रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए तीन प्रकार के हैं आप बोल देते हैं ये मेरा लड़का है आप बोलते हैं मेरा लड़का है कोई बोलता है मेरा बेटा है कोई बोलता है मेरा पुत्र है तो लड़का क्या है लड़के का अर्थ क्या होता है जो न्याय के लिए लड़ता है मुझे ये खेत नहीं दिया लड़ना मुझे ये कमरा नहीं दिया जो माता से लड़ता है मुझे ये दे मुझे वो दे वो है लड़का इसलिए बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं लड़का जो आपसे लड़े ऐसा लड़का नहीं चाहिए भैया और एक होता है बेटा बेटा किसे कहते हैं बेटा कहते हैं बांट में जो मिल गया उसी में संतुष्ट होता है बेटा जो दे दिया उसी से संतुष्ट है वो है बेटा लड़के से तो बेटा बोलना अच्छा है और तीसरा नाम बोला मैंने पुत्र जो पूत नामक नरक से अपने पिता को बचा दे नरकों में एक पूत नामक नरक है जो अपने पिता के लिए दशकात्र संस्कार बड़ी श्रद्धा भाव से करता है जिसमें दिखावा नहीं होता अपने पिता के लिए बड़ा दुख मनाता है अपनी माता के लिए भी वैसे ही दुख मनाता है उन आय नरका नाम सा पुत्रा जो नरक से अपने माता पिता को बचा देता है जो संपत्ति और भाइयों को बांटने देता है लेकिन बोलता है कि माता पिता जी आप मेरे साथ रहिए ऐसा जो बच्चा है वही पुत्र कहलाता है तो बेटे से भी श्रेष्ठ क्या हुआ है? पुत्र बोले महाराज मुझे बेटा चाहिए अंगिरा मुनि ने यज्ञ कर दिया और यज्ञ से जो प्रसाद निकला जो प्रसाद निकला वो प्रसाद बोला अपनी पत्नी को खिला दो अब चित्रकेतु ने वो प्रसाद दे दिया अपनी बड़ी पत्नी को पत्नी सगर्भा हुई पत्नी के बेटा हो गया चित्रकेतु उस बेटे से बड़ा प्यार करने लगे जिसने जन्म दिया उसको भी बेटा बहुत प्यारा है और जो बाकी पत्नियां थी उनको इस बेटे के होने का अंदर ही अंदर बड़ा दुख था लेकिन दिखावा इतना हाय मेरा पुत्र हाय मेरा पुत्र तू ही तो है जो हमारा तर्पण करेगा श्राद्ध करेगा लेकिन मन ही मन में बड़ा क्रोध था स्त्री प्राय स्त्री की शत्रु होती है देख लेना घर में लड़ाई होगी स्त्री बोल दो वाला अपनी स्त्री को है तो उससे सुंदर तो उसकी स्त्री है फिर देखो क्या होता है क्यों बोला वो ज्यादा ही सुंदर है मुझ में क्या कमी है ये है वो पुराना ढिमका है और प्रशंसा करती तो गए चाय से भी रोटी से भी कपड़े से भी तो भैया जो बाकी पत्नियां थी दिखावा तो बहुत करती थी कि हम भी इसे पुत्री मानती हैं लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा दुख था और एक दिन उन पत्नियों ने उस बेटे को जहर दे दिया जैसे जहर दिया बेटा मर गया
चित्र केतु जो है वो बड़े भारी दुखी हुए। जैसे बेटा मरा, जन्म देने वाली माता तो कम रोने लगी, लेकिन जो बाकी माताएं थी जिन्होंने मारा था वो ज्यादा रो रही थी। आए आए मेरा मुन्ना, आए क्या हो गया, ये भगवान तेरे घर में ये कैसा अंधकार है। सब चिल्लाने लगी, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं कितने में देव ऋषि नारद जी वहां आए और नारद जी ने चित्र केतु को समझाया। चित्र केतु बड़े दुखी थे, पुत्र वियोग का दुख बड़ा भयंकर होता है। तो नारद जी ने यह नहीं बोला कि तुम्हारी पत्नियों ने मारा है, ऐसा कुछ नहीं कहा। मुला पुत्र का सुख मिलना ना मिलना ये सब उनके हाथ में। चित्र केतु जी आप भजन कीजिए, सत्संग वहां पर शांति है, बाकी कहीं शांति नहीं। लेकिन चित्र केतु को वो पुत्र का भी ऐसा लगा हुआ था भजन का, इसलिए नारद जी ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे पुत्र को थोड़ी देर जीवित कर देता हूं। नारद जी ने अपने कमंडल से जल लिया और जल उस मरे हुए पुत्र पर सिंचन कर दिया। भैया जैसे सिंचन किया वो पुत्र खड़ा हो गया। चित्र केतु पुत्र की तरफ भागे, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। लेकिन पुत्र ने कहा अरे परे खड़ा रहे, कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता, मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और ऐसा बोलते ही आकाश में वो बेटा चला गया, उसने परवाह ही नहीं। और जब ये घटना हुई तो चित्र केतु को बड़ा भारी ज्ञान हुआ। चित्र केतु बैरागी हो गए, सत्संग करता था, लेकिन सत्संग करते करते थोड़ा अल्प अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार आ गया। कई बार क्या होता है, परीक्षा भी होती है, होता है ना ऐसा, थोड़ी सी पूजा पाठ क्या किया, अजी मैंने ऐसा कर दिया, मैं तो बड़ा पूजा पाठ करता हूं, थोड़ा सा गीता क्या सुन ली, 10-12 श्लोक क्या आ गए, अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं। पंडित जी के पास जाकर के बोलते हैं महाराज यहां पर क्या हुआ था, पंडित जी से प्रश्न करने लग जाते हैं यहां पर क्या हुआ था। उन 5-10 श्लोकों का ही इतना अहंकार हो जाता है कि पता नहीं हमने क्या सीख लिया है। अगर पंडित जी कुछ बताते हैं बोलते हैं महाराज आपको पता नहीं है, मैंने पता नहीं कितनी कथा सुनी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा थोड़ा सा अहंकार चित्र केतु में आया और कहते हैं कि चित्र केतु जो है शंकर भगवान जी के पास गए, भगवान शंकर की सभा में गए। शंकर भगवान ने पार्वती को अपनी गोद में बिठाया था और चित्र केतु वो जो अहंकार था बड़े मजाक उड़ाने लगे। पार्वती देवी का कि देखो गोद में बैठाया घरवाली को और फिर ज्ञान सुना रहे हैं। वो भगवान शिव अनंत है, उनकी महिमा अपरंपार है। तो जैसे ही पार्वती देवी ने देखा तो पार्वती देवी ने इनको शाप दे दिया कि जा असुर के कुल में तेरा जन्म होगा और ऐसा सुनते ही चित्र केतु बड़े दुखी हुए, माता के चरणों में गिर गए। तो माता ने समाधान किया, बोला ठीक है मैं असुर कुल में पैदा होने को तैयार हूं माता, पर मुझे वरदान दो कि असुर कुल में पैदा होने पर भी मेरा प्रेम गोविंद से रहो। तो देवताओं से बैर रखने के बावजूद भी चित्र केतु वृत्रासुर जो थे वो भगवान नारायण के परम भक्त, और इसी कारण से उन्होंने सब लोगों को जीत लिया था। परम पावनी इस कथा को सुन करके
परमानंद प्राप्त होता है। आगे कथा आती है हिरण्यकश्यपु की। हिरण्याक्ष तो मारे गए, जो दीति के दूसरे पुत्र थे हिरण्यकश्यपु। मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी से मारीचि पैदा हुए, मारीचि से कश्यप और कश्यप से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। तो ये भी भगवान के परम भक्ति थे। अहंकार किया तो फिर राक्षस बनना पड़ा तीन जन्मों तक। ये जय विजय नामक भगवान के पहरेदार थे, जो पहरेदारी का काम करते थे। एक बार ऋषियों को दर्शन करने से रोका तो ऋषियों ने इनको तीन जन्मों तक राक्षस होने का शाप दे दिया। हिरण्यकश्यप हुई, देखो वो जय विजयों में से एक है। जब भाई की मृत्यु हुई तो बदला लेने के लिए तप किया और वरदान प्राप्त किया। वरदान जब मिल गया तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, इस संसार में पाप को बढ़ावा देने लगे। हे परीक्षित, तब उनके घर में भगवान के दिव्य अंश प्रहलाद का आना हुआ, उनके पुत्र थे। प्रहलाद का नाम कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो प्रहलाद भगवान के परम भक्त हुए। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से ये नाम छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, नाना प्रकार के कष्ट भी प्रहलाद को दिए, मगर परीक्षित प्रहलाद अपने पद से नहीं हटे, वो डटे रहे भगवान का नाम जप। और इसी खींचा तानी में देखो हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, तब से होली का त्योहार बना। और हिरण्यकश्यपु एक दिन बड़ा दुखी होकर के प्रहलाद को तप्त स्तंभ के साथ बांधने लगा। बड़ा अच्छा छोटा सा भजन है, प्रेम से बोलो राधे राधे। जितनी संगत है क्या उतनी आवाज है, नहीं है मान भी रहे नहीं है, कारण क्या है क्यों आवाज नहीं आ रही, बोलो कोई नाराजगी है, नाराजगी है, नाराजगी में नहीं है। अच्छा भूख तो लगी है, भूख भी नहीं है, फिर बताओ क्या बात है। जब मैं जयकारा लगाने के लिए बोलता हूं तो क्यों नहीं बोलते जोर से, यही तो काम है आपके दिए हुए, जयकारा बोला, भजन का गुणगान करना। तीन साधन है, श्रवण कीर्तन मन, ये सत्संग में होना चाहिए, कथा में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन तीन ही साधनों से आपको इस कथा का पूरा फल मिलेगा। बोलो ना तो मनुष्य का नर का शरीर, ना ही शेर का, बोलिए नरसिंह भगवान। आधा शरीर नर का तो आधा शेर का, और वरदानानुसार हिरण्यकश्यपु नामक उस आतताई राक्षस का अंत किया, उस योनि से उसे छुटकारा दिलाया। बाद में वही हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण बन करके आए अगले युग में, ये सतयुग में हुआ। उससे अगले युग में यही शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए, तीन बार भगवान के हाथों से देह को छोड़ा और वैकुंठ धाम एक बार से पुनः पाया। अभी कहते हैं कि जिस समय भगवान ने ये अवतार लिया था उस रूप को देख करके सारे देवता भी भयभीत हो गए। कहते हैं लक्ष्मी देवी को लाया गया कि आप तो उनकी पत्नी है, उनके क्रोध को शांत करो। लक्ष्मी देवी जैसे भगवान का मुंह देखती है डर करके एक तरफ हट जाती है। ऐसा भयानक रूप भगवान नरसिंह का था। भगवान भगत के वश में है और कोई भगवान को शांत नहीं कर पा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा,
हे पुत्र प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान ने ये अवतार लिया है, अब तुम ही हो जो भगवान का क्रोध शांत कर सकते हो। और जब ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा तो प्रहलाद जैसे एक अबोध बालक होता है वैसे छोटे से बच्चे को शेर से डर नहीं लगेगा, कहीं डर नहीं लगेगा, वो निर्धारता से जाएगा। प्रहलाद बिल्कुल निर्धारता से नरसिंह भगवान के सामने खड़े हो गए, नाना प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान प्रहलाद की स्तुति को सुन करके प्रहलाद को उठाते अपने गोद में बैठा देते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, ठोड़ी पर हाथ रखते हैं। भगवान कहने लगे हे पुत्र मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। देखो प्रहलाद जी आनंद मगन हो गए जब भगवान का हाथ सर पर आ गया है, ठोड़ी से हाथ लगे, जैसे एक मां अपने छोटे से बच्चे को प्यार करते वैसे भगवान प्यार कर रहे हैं। कभी कभी प्रहलाद की पीठ को चाट भी रहे हैं, इतना प्यार। बोला पुत्र वरदान मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। लेकिन प्रहलाद ने क्या मांगा, ब्रह्मादया सुरगण मुनियो सत्व एकता वयतो वसा प्रवाह नारादित बुरु गुणी रघुना विप्रो किं तोष्टुमती समे हरिग्रजते। प्रहलाद कहने लगे प्रभु आप परम कृपालु हैं, क्या मांगू आपसे, आप ये बताइए क्या कभी आपने ब्रह्मा जी को गोद में बिठाया है। नारे बोला क्या आपने शिव को कभी गोद में बिठाया उसके सिर पर हाथ रखा। बोला ना 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 ऐसा तो याद नहीं। बोला क्या आपने अपनी पत्नी लक्ष्मी को इस तरह से बिठाया है ऐसे ठोड़ी से हाथ लगाया। बोला नहीं याद नहीं आ रही। हे प्रभु आपने तो मुझे वो दे दिया जो आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ, अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे प्रदान दीजिए कि मुझे आपसे कुछ मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं आपकी निर्बल भक्ति करना चाहता हूं, कभी भी अपने अंदर से आपका नाम ना बुलाऊं, यह प्रदान मांगा। और प्रहलाद को बिन मांगे भगवान ने क्या नहीं दिया। ऐसे परम कृपालु को भगवान है, बोलते हैं गाते भी है, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, एक जगह मैं ये भजन गा रहा था, एक बहन बैठी थी उसका ध्यान नहीं था मेरी कथा पर, उसका ध्यान था अपनी क्यारी पर। कथा में आ गई, आज एतवार था, क्यारी में लगाना था आलू, गाने लग गई हरे जो तुम बड़े बड़े आलू हो, क्या गाने लगी भगवान के चरणों में बैठे हैं तो मन को एकाग्र करके कथा को सुनो, बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा आनंद की वर्षा है। ये सुख आपको अन्यत्र पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा जो भागवत में मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम न भेद, जन्म जन्म के पुण्य कर्म जब होते हैं तब जाकर के भागवत में हाजिरी लगती है। इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता है अगर सच्चे दिल से बैठे। देखो प्रहलाद ने यही स्तुति की, ब्रह्मादि असुरगण किसी भी देवता पर आज तक ऐसी कृपा नहीं हुई है,
जैसी कृपा आपने मेरे ऊपर की है और जैसे ही भगवान प्रदान देने को तैयार हुए सबको डर लग रहा है। ब्रह्मा जी साथ में खड़े थे, बोला कहीं कुर्सी कहीं ब्रह्म पद ना पा ले। और दूसरा खतरा लगा देवराज इंद्र को, गई पद में इंद्र पद में मांग ले। भगवान शिव भी खड़े थे देख रहे थे, भगवान शिव को नो टेंशन, और टेंशन नहीं थी, बोला कोई बात नहीं मेरी पदवी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा है? मैं तो शरीर पर भस्म लगाता हूं, लगा ले कोई, मैं तो शमशान में रहता हूं, रह ले कोई, अपन तो ये साल में उस हाल में मस्त। और ये सच्चे दरबार की भाई असुर कुल में भी भगवान जाति पाति को नहीं देखते, पहली बात है। कई बार ब्राह्मणों के मंत्रों से भी भगवान ब्राह्मण को नहीं मिलते और एक ऐसे भक्त को मिल जाते हैं। अगर निर्मल मन है, अगर इस मन में भगवान किसी का कोई नहीं है, मन साफ है, तो भगवान उसके मन को देख करके मिल जाते हैं। उनसे परम दयालु हमारे जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। अगर तू उनको छोड़ करके किसी और को याद करता है तो तेरी गलती है। महाराज परीक्षित आनंद विभोर हो रहे हैं, भगवान का स्मरण हमें निरंतर करना चाहिए। परीक्षित भगवान वो परम कृपालु हैं, लेकिन मनुष्य भगवान का स्मरण जब संकट आता है तभी करता है। एक कथा आती है भागवत के बीच में, आसीद राज त्रिकूट विश्वत शीरो दीनावृत श्रीमान्योज मुचित। बड़ी सुंदर कथा है, ज्ञानप्रद कथा है जो महाराज जी ने परीक्षित को सुनाई, गजेंद्र हाथी की। समय का थोड़ा अभाव है इसलिए मैं संक्षेप में सुनाऊंगा। हाथी को बड़ा घमंड था, नाम था गजेंद्र, सब पर विपत्ति बना करता था, किसी को भी नहीं छोड़ता था, जो सामने आता उसे मार ही देता था। लेकिन एक दिन अपने परिवार सहित स्नान करने के लिए आया, भाई मस्त होकर के स्नान करने लगा, जैसे आप जाते हरिद्वार में घरवाली को भी दे कट्ठे डुबकी लानी जी, वैसा तो हास्य विलास में मगन है। लेकिन उस हाथी को पता नहीं था आज उसके ऊपर भी भारी विपत्ति आने वाली है। यदि उस हाथी को ग्रह ने पकड़ लिया मगर मच्छ ने पकड़ लिया। हाथी ने अपना पूरा जोर लगाया, नहीं छूट पाए। परिवार वालों ने भी पूरा जोर लगा लिया, हाथी को छुड़ा नहीं पाए। परिवार वालों ने देखा मेहनत बेकार हो रही है, अब इसको बचाते बचाते हम भी भूखे हैं प्यासे हैं, कहीं हमारी भी मृत्यु ना हो जाए। परिवार ने उस हाथी का साथ छोड़ दिया। जिस परिवार पर हाथी को बड़ा घमंड था वो चूर चूर हो गया। बड़ा सुंदर कहा है, एक हाथी पानी पीण खातिर किथे नदी बिच पैर टिकाण लगा, पर पानी बिच हाथी दी पेश ना चली, ओ थक डिग के गोते खाण लगा। सोंडी अपनी दे बिच एक फूल लेके, ओ सच्चे श्याम नो ध्यान लगा, सच्चे भगवान नो ध्यान लगा। गुरु चले गए, उसके बाद भगवान त्रिविक्रम हो गए।
और त्रिविक्रम होकर के भगवान ने दोनों ही पगों में तीन लोगों को माप लिया। आजकल का कोई विद्वान होता तो बोलता है, अरे संकल्प लिया है तो ये थोड़े भी सब कुछ ही दे देना। आजकल का विद्वान होता ये बोलता है, जिस समय संकल्प लिया था तो ठेंगा सा था, वैसे ठेंगा बन तीन पग माप अपने आप ले ले। मैंने कोई ठेका थोड़े लिया इस ब्राह्मण का, इस पंडित का, ऐसा बोलता है। लेकिन राजा बलि दानवीर थे, वो घबराए नहीं। भगवान कहने लगे, हे राजन तुमने तीन पग देने का वचन दिया है, तीन पग तुम्हारे पास है ही नहीं, इसलिए अब नरक में जाने की तैयारी करो। गरुड़ जी आया और उन्होंने पाशों से बांध दिया। हे परीक्षित, जैसे ही पाशों से बांधा तो उनकी जो धर्मपत्नी थी विंध्यावली, उन्होंने अपने पति से कहा कि हमारा क्या था जो हमसे इन्होंने ले लिया, ये सब इन्हीं का तो है, हम तो केवल भोग रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लग गया कि आपने अपना सर्वस्व इनको दे दिया। ये नाथ ये तीसरा पग बोल रहे हैं, अभी तक आपका शरीर आपके पास है, संकल्प को पूर्ण करने के लिए आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। ऐसे भी पत्नी होती है, और आजकल की होती है, मैंने क्या खाना बोलते ना, बगाती पंडित को भी और घर वाले को भी। लेकिन विंध्यावली ने बड़े विनम्र भाव से कहा, और उस समय राजा बलि ने कहा, प्रभु आपकी महिमा परंपार है, आप सर्वशक्तिमान हैं, अगर आप चाहते तो छीन करके ले लेते, फिर भी आपने मांगा है मुझसे, मुझे आपने कितना आदर दिया है। मैं अज्ञानतावश देवताओं से शत्रुता का भाव रखता था, मैं मेरा मेरी में फंस गया था, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर धर दीजिए। कहते भगवान ने अपना पग राजा बलि के सर पर रखा, तीसरा पग, और पग रखते भगवान की आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। ऐसा दानी ना तो पहले हुआ और ना आगे होगा। वे जिन पैरों के स्पर्श के लिए देवता ऋषि अन कई जन्मों जन्मों तक तप करते हैं, वो पैर अपने आप हे परीक्षित, देखते देखते भगवान एक दिव्य लोक को बनाते हैं, सुतल लोक में राजा बलि को पहुंचाया, और वैकुंठ जैसा वो लोक है, स्वयं पहरेदार बन गए। देखो बिन मांगे भगवान ने क्या नहीं दिया, यज्ञ में राजा बलि को भाग दिया, जो हवन की आहुतियां बाहर गिरती, हवन कुंड से अग्नि से बाहर वो राजा बलि और उनके परिवार को जाती है, बिना दक्षिणा से जो यज्ञ होता है उसका सारा फल राजा बलि को जाता है, उनके परिवार को जाता है, पहरेदार बन गए। उसके बाद देखो इन्हीं राजा बलि को इंद्र पद भी भगवान ने दिया कि सावर्णी मनवंतर जब आएगा तो उस मनवंतर के तुम इंद्र होंगे। सावर्णी मनवंतर में इंद्र पद की प्राप्ति इन्हीं राजा बलि को हुई। निर्मल मन जन सो मोह पावा, जिसका मन निर्मल है, भगवान ने कहा है बड़ा अच्छा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोही कपट छल छिद्र ना भावा। जिस भगत के अंदर छल है कपट है, वो चाहे मेरी कितनी भी भक्ति कर ले वो मुझे नहीं पा सकता, जिसका मन निर्मल है उससे मिलने के लिए मैं सदा तैयार रहता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे जी। इसके बाद सत्यव्रत राजा के लिए भगवान का मत्स्य अवतार हुआ,
सत्यव्रत राजा धर्मपरायण थे, जब प्रलय होना था तो भगवान जी देखो मछली बन करके प्रकट हुए, उनकी नाव को खींचा, वेदों की रक्षा की। हे परीक्षित, मत्स्य अवतार जब भगवान ने किया तो उसके बाद सीधे ही भगवान जी का राम अवतार आता है। आज कृष्ण अवतार में चलना है ना, भागवत का चतुर्थ दिवस है, तो देखिए जो श्री राम अवतार है भगवान का, ये भागवत में पहले बताया है, पहले लिखा हुआ है। इसके माध्यम से हमें बताया है कि भगवान श्री राम के चरित्र को जाने बिना कृष्ण लीला को समझना बड़ा ही कठिन है। कृष्ण लीला को समझना है तो पहले राम भगवान जी के नाम का चश्मा लगाना पड़ेगा। अवधपुरी रघुकुल मनी राऊ वेद बहित तहां दशरथ नाऊ, अवध में अयोध्या नगरी में। देखो रामचंद्र के बिना हमारा भारत जचता ही नहीं। भारत का नाम पड़ा है भरत से, भरत नाम से, एक भरत भगवान श्री राम जी के परम भाई हुए, एक भरत जड़ भरत हुए और एक भरत जो उतान पाद के भाई थे, क्या नाम बताया था मैंने, प्रियव्रत, उनके कुल में पैदा हुए ये तीन भरत। ऐसे हुए, इन तीन भरतों के नाम से हमारे देश का नाम भारत। परम तपस्वी हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं। तो भाई देखो संक्षेप में श्री राम जी की कथा परीक्षित जी को सुनाई। तस्यापि भगवान श्री साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशाशेन चतुर्घात पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरै। ये परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र मर्यादाओं को बताता है, कैसा पुत्र हो, कैसा भाई हो, कैसा पति हो, कैसी पत्नी हो। आहा, मजा आ जाता है। रामायण की कथा जब मैं सुनाता हूं तो आंखें भर भर के बहती हैं। रामायण में त्याग ही त्याग है, कहां त्याग नहीं है बोलो, कहां राजा बनना था, सब चाहते थे कि राम हमारे राजा बने, पिता भी ये चाहते थे। वो पिता ने दर्पण में मुंह देखा, बाल सफेद सफेद दिखाई दिए, सोचा मैं बूढ़ा हो गया, अगर मेरे होते हुए मेरी राज गद्दी पर मेरा बेटा बैठ जाए बड़ा आनंद आएगा। तो अपने गुरुजी से मुहूर्त तो पूछा, वशिष्ठ जी ने बोला जिस दिन राम गद्दी पर बैठे वही शुभ मुहूर्त है। और राजा दशरथ बोलते ठीक है, मैं कल ही राजगद्दी दे देता हूं। घोषणा हुई, सारी अयोध्या में आनंद मंगल मनाया जाने लगा, सब लोग प्रसन्न थे, भगवान राजा बन रहे हैं। आइए पहले थोड़ा सा प्रभु श्री राम जी के नाम का जप कर ले, जमाई नहीं लेंगे भाई, सीधे होके बैठे करोड़ मंत्रों की रामायण तैयार की। कितने करोड़ मंत्र थे, तो देवताओं को पता लगा, मनुष्यों को पता चला, असुरों को पता लगा, आ गए मांगने भगवान शिव के पास
तीनों खड़े हो गए। बोला महाराज जो आपने रामायण लिखी है वो मंत्र हमें दे दो। भगवान शिव ने 33 करोड़ मंत्र बांट दिए, सोचा चले जाएंगे इन मंत्रों को लेकर के भी। जब ये नहीं गए बोला अभी भी तो 1 करोड़ बाकी है। भगवान शिव तो भोले भाले हैं, उन्होंने 1 करोड़ में से 33 लाख बांट दिए। तो जब 33 लाख मंत्र दे दिए, अब भी 1 लाख मंत्र बचे। ये फिर नहीं हटे, बोला जी अभी भी 1 लाख है बांटिए। और भगवान क्या करते हैं फिर 33,000 मंत्र बांट देते हैं। अब बचा क्या, 1,000 बाकी बच गए। फिर मांगा, बोला महाराज ये भी दे दीजिए। तो भगवान ने 3300 करके बांट दिए। सोचा चले जाएंगे, नहीं गए, अभी भी 100 मंत्र बचे थे। बोला प्रभु ये भी दे दीजिए। अब भगवान ने 100 में से 33 बांट दिए। बोलिए सच्चे दरबार की। बोला महाराज जब 1 मंत्र बचा, सोचा चले जाएंगे। बोला महाराज नहीं, इसमें भी 32 अक्षर हैं। 32 अक्षरी मंत्र था। बोला महाराज ये भी बांट दीजिए। भगवान ने क्या किया, 10 10 10 करके और बांट दिए। बचे क्या, 2। जब दोनों को जोड़ा प्रभु शिव ने तो क्या बना, राम। इसलिए भगवान शिव इसी मंत्र का जप करते हैं, वो इसी नाम में लीन रहते हैं। बोलो राधे, वही भगवान श्री राम है। ये नाम बड़ा पवित्र है। भगवान का वर्णन आता है कि उन्होंने वन में जाकर के ऋषियों को दर्शन दिए, असुरों का सहार किया। जब उनकी पत्नी का हरण हुआ तो वो लंका गए, असुरों का सहार किया और वापिस अयोध्या में आए। उसके बाद अयोध्या के अधिपति बने। उसके बाद फिर से उनको अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ा और वाल्मीकि के आश्रम में सीता रही। फट गई धरती, छिप गई सीता। अब गाते हैं ना वो भजन, क्या है, कौन सा भजन है वो, राम के लक्ष्मण दोनों भाई जी। ओ फट गई धरती, छिप गई सीता जी सिरे, रह गए बाल, आज को ही राम बुला रही। ओलो फट गई धरती, छिप गई।